अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे YouTube चैनल एज़ेबी खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम एक बढ़िया रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हम बिल्कुल भी कच्चे मसाला और कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर से चिकन कस्सा बनाए हैं। ये अपनी तरीका के हम चिकन फ्राई बनाए हैं कस्सा, इसे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हम आपको हमारा ये डिश कैसे बनाते हैं दिखाते हैं। ये डिश पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले जाके पहुँच सके। इसके लिए हम अब देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं हम चिकन फ्राई कस्सा कैसे बनाते हैं आपके साथ, चलो देखते हैं। इस तरीके से एक बड़ा सा जगह लिए हैं बनाने के लिए, चिकन बनाने के लिए। उसमें ढेर सारा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल डालेंगे इसमें, हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे। चिकन में हमेशा थोड़ा ज़्यादा ऑयल जाता है, हम रिफाइन ऑयल में बनाते हैं। ये सरसों का ऑयल में बनाए तो और भी इसका मज़ा बहुत आता है। हम आज रिफाइन ऑयल में बनाए हैं। इसके लिए हम जीरा एक चम्मच इसमें चटका लेंगे, पहले चटका लेंगे फिर हम ये अच्छी तरीके से चटक जाए तो हम इसमें डेढ़ किलो जितना करीब, डेढ़ किलो हम चिकन लिए हैं छोटे छोटे पीस करके। इसको हम धोकर साफ़ करके हल्दी नमक से धोकर साफ़ करके हम छान चुके हैं, इसमें हम ऐड कर लेंगे। इसे गोश्त को हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें तेल में। उसके बाद हम सारे क्या मसाला डालते हैं दिखाते हैं, कैसे बनाते हैं दिखाते हैं। गोश्त का कलर हमारा चेंज हो गया है, इसमें हम अब 3 तेज़पत्ता डालेंगे बेलीफ, और इसमें इस तरीके से हम मसाला कुछ ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा लौंग लिए हैं, एक टुकड़ा दालचीनी का लिए हैं, एक ठो हम काली बड़ी इलायची लिए हैं, एक टुकड़ा जायत्री लिए हैं, 3 से 4 हरी इलायची लिए हैं। हम इसके लिए 1.5 किलो चिकन में हम 1 किलो बराबर जितना ही प्याज डालेंगे। हम छोटे छोटे पीसेस में काट चुके हैं, इसमें हम ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हम चिकन में ऐड कर लेंगे। हम कच्चा मसाला और कच्चा प्याज से इसे हम बनाएंगे फ्राई करके। इसमें हम 3 से 4 टमाटर को भी छोटे छोटे पीस में काट चुके हैं, इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल भी हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे, चलाते हुए हम इसे हाई फ्लेम में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। हम साबुत गरम मसाला डालेंगे इसमें, डाले हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लेंगे और 1/2 टीस्पून हम मिर्ची पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून हम धनिया पाउडर लेंगे, 4 टीस्पून हम जीरा पाउडर लेंगे, 2 टीस्पून हम चिकन मसाला लेंगे। हम सारे मसालों को इसमें डाल लेंगे। कुछ भी ज़रूरत नहीं है मसालों का भूनने का, ये गोश्त के साथ भून जाएगा, अपने आप भून जाएगा। हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे भूनते हुए हम 15 से 20 मिनट इसे भूनेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, 3 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1.5 किलो चिकन है हमारा, हम 3 टेबलस्पून इसमें हम अदरक लहसुन का जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी कोई ज़रूरत नहीं पहले से भूनने की, इसमें हम हमारा गोश्त के साथ ये अपने आप भून जाएगा। इसका स्वाद इतना मज़ेदार बनता है, आप बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बनता है।
ज़रा भी पानी नहीं देंगे इसमें हम। इस तरीक़े से हम 15 से 20 मिनट भून लेंगे, उसे कवर करके हम लो फ्लेम में बनाएंगे। इसे चेक करते हुए इसे लो फ्लेम में हम लो टू मीडियम फ्लेम में बनाएंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, चिकन में पानी देने से इसकी इसमें मज़ा इसका बिगड़ जाता है। हम चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, इसे लो फ्लेम कर देंगे तो इसमें अपने आप पानी बाहर आ जाएगा। इसे हम चेक करते हुए चिकन बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसे चेक करते हुए हम बनाएंगे। 5 से 10 मिनट हम इसे लो फ्लेम में कर देंगे, वो पानी बाहर आ जाए तो हम इसे हाई फ्लेम में बनाएंगे। कवर करते हुए हम 2-3 मरतबा कवर करते हुए इसे चेक करते हुए बनाएंगे। इसकी आवाज़ इस तरीक़े से आए तो पता चलता है पानी हमारा सोख कर गया है। इस तरीके से सों सों करता है तो पता चलता है पानी इसका सोख कर गया है, तेल ऊपर आ चुका है। ये हमारा हो गया है तैयार, चिकन हमारा हो गया है तैयार। इसमें हम कवर करके फिर 5 मिनट लो फ्लेम में रखेंगे चिकन को, ताकि तेल हमारा ऊपर आ जाए। तब तक हम इसे कवर करके और 5 मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। चलो देखते हैं, चिकन हमारा हो गया है तैयार बनकर। इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी, देखो बन गया है तैयार। इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरीक़े से लेंगे, इसे मसल कर इतना ही लेंगे कसूरी मेथी, इसे मसल कर हाथों में इसमें डाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम धनिया पत्ता एक मुट्ठी डाल लेंगे। इसे हम अब हो गया है हमारा चिकन, इसे चूल्हे को कर लेंगे बंद। अब हमें इसे सर्व करेंगे। देखो कितना मज़ेदार बना है हमारा चिकन, कच्चे प्याज और कच्चे मसालों में हम चिकन को फ्राई किए हैं, कस्सा बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये अपनी तरीक़े से हम चिकन कस्सा बनाए हैं, देखो कितना डिलीशियस, वाओ, टेस्टी, मज़ेदार, लाजवाब। आप ज़रूर एक बार इस तरीक़े से ट्राई करना बनाना। हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे धनिया पत्ता से। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखोगे। अल्लाह हाफिज़।